क्या आप दांत खाज खुजली से परेशान हो? ये ठीक भी हो रहा है, फिर धीरे धीरे फिर वापस आ रहा है। ऐसा कितना सारे क्रीम लगा लिए तो फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, वापस आ जाते हैं। आज हम दांत खाज खुजली को जड़ से कैसे खत्म करें, इसका बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरंजन कुंडू, आपका हम सफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे दांत खाज खुजली का तीन बेहतरीन मेडिसिन जो कि आपको जड़ समेत खत्म कर देगा, और उसमें हम कुछ स्पेशल टिप्स भी बताएंगे, उसको थोड़ा फॉलो कर लेना। हजारों हजारों लोग चर्म रोग से पीड़ित है। किसी का हाथ में प्रॉब्लम है, किसी का बगल में प्रॉब्लम है, किसी का पैर में है, किसी का साइड में है। क्रीम तो बहुत लगाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा कर करके किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का साल भर, किसी का कई साल में ठीक भी नहीं होते। कितने सारे पैसा चले गए, कितने सारे टेस्ट हो गया है, फिर भी ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। जो बड़े बड़े डॉक्टर जो दवाई देते हैं, उस दवाई आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन से बचे, ये आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है। डॉक्टरों को मानना है, बड़े शहर में जो रहते हैं, इसमें पानी हवा बहुत ज्यादा जनसंख्या होने का कारण हाथ भी मिलाते हैं, नजदीक में बैठते भी है, वार्तालाप भी करते हैं, इसके कारण ये बीमारी हो जाता है। और जिसको एक बार हो गया है, मान लीजिए एक ही कमरे में और कई लोग रहते हैं, एक ही कपड़ा, एक ही गमछा, एक ही और आइटम्स यूज करते हैं, तो इसको ये बीमारी धीरे धीरे एक से दो, दो से तीन, एक शरीर से दूसरा शरीर, एक अंग से दूसरा अंग, दूसरा अंग से सारा शरीर में फैल जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए साथ में कुछ परहेज भी आपको मेंटेन करना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर जिसको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन, तो उसके लिए खाली अगर आप ओराली मतलब मुंह में टैबलेट लोगे तो भी काम कर सकता है। लेकिन जिसको कुछ ज्यादा दिन हो गया है, तो उसके लिए खाली टैबलेट खाने में नहीं होगा, साथ साथ मलहम भी लगाना पड़ेगा और कुछ परहेज भी मेंटेन करना है। जैसे माइल्ड में क्रीम है टाइबिनाफाइन, कोट्टीमाजोल, कीटोकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, मिकानोजोल, ये मलहम है। इसको आप अगर जो माइल्ड इन्फेक्शन है उसको आप अगर सुबह और शाम को लगाओगे, उसमें वो ठीक हो जाता है। लेकिन ये देखना है, ये मोनो कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए, इसमें कई सारा फॉर्मूला का एक कॉम्बिनेशन में जो क्रीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड होता है। अगर उसमें स्टेरॉइड मिला हुआ होता है तो स्टेरॉइड वाला क्रीम अगर आप लगाते हो, तुरंत आपको लगेगा यार रात को लगाया सुबह ठीक हो गया, लेकिन आप जितना दिन ज्यादा लगाते चलोगे तो स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट धीरे धीरे बाहर आ जाएगा, कुछ दिन बाद फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो हमने बोला मोनो कॉम्बिनेशन वाला, सिंगल कॉम्बिनेशन वाला क्रीम अगर आप लगाते हो लगातार, तो ये वापस नहीं होगा, तो ठीक ही हो जाएगा। तो ये चीज को आप जरूर ध्यान में रख। अगर जिसको सीवियर हो गया है, तो सीवियर मतलब ज्यादा दिन हो गया है, ज्यादा गहरा हो गया, ज्यादा एरिया में फैल गया है और उसको तकलीफ भी ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए खाली क्रीम में नहीं होगा, उसको ओरली भी कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा, जैसे कि ग्रीसोफाल्विन, टाइबिनाफाइन, इट्राकोनाजोल। इसका साथ साथ एक है LCZ टैबलेट जो मार्केट में मिलता है, डेली रात को लेना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या लूलिकोनाजोल, या मिकानोजोल, या कोट्रीमाजोल, या टाइबिनाफाइन से कोई एक क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए। इसको लगाइए सुबह शाम जहां जहां आपको प्रॉब्लम है, एक कम से कम 1 महीना के लिए लगाइए। आपको 10-15 दिन लगाने के बाद ऐसा लगेगा जी भाई मैं ठीक हो गया, फिर भी आप क्रीम का मात्रा कम कर दीजिए। 2 दिन रेगुलर लगा रहे हो उसका जगह में 1 दिन छोड़ के लगाइए, 2 दिन छोड़ के लगाइए, लेकिन स्टॉप मत कर देना। फिर ये तो हो गया क्रीम, अभी आपको टैबलेट जो है आपको सबसे बढ़िया आजकल काम कर रहा है इट्राकोनाजोल 200। इसको आप एक गोली रेगुलर खाइए, आप 10 दिन खा के 5 दिन गैप दे के फिर आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और LCZ टैबलेट इसको आप 2 पत्ता लीजिए, 10 दिन लगातार खाइए रात में सोने का पहले पहले, फिर 2-5 दिन का गैप देके फिर पत्ता चालू कीजिए। ऐसे आप 1 महीना ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ परहेज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ परहेज इसमें मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा बीमारी जो है इन्फेक्शियस है। तो इसके कारण एक तो है आपको तेज मसाला, बाहर का खाना, इसको आपको परहेज रखना पड़ेगा। शरीर में ज्यादा गर्मी चीज नहीं देना चाहिए, इस टाइम में हो सके चिकन, अंडा आप थोड़ा परहेज रखे, या कम खाए या ना खाए। मछली आप खा सकते हो हफ्ते में 2-3 बार, इससे ज्यादा नहीं। और हरी सब्जी का मात्रा बढ़ा दीजिए। और नंबर 2 है, आपका जो भी क्लॉथ्स है आप पहन रहे हो, शरीर में वही चीज है तो आप इधर उधर फेंक देते हो, नहीं, उसको एक जगह
बनाइए। ड्यूटी से जॉब आओगे तो डेली का कपड़ा डेली आप धोने का कोशिश कीजिए। एक टॉप रखिए जिसमें कपड़ा धोने का बंदोबस्त कीजिए और डेली डेटॉल से वॉश कीजिएगा, गर्म पानी से वॉश कीजिएगा ताकि उसका जो भी इन्फेक्शन है वो मर जाए या हट जाए। ये आपको डेली का डेली करना पड़ेगा। और डेली आपको नहाना है या अच्छा तरह से थोड़ा हाथ को पैर को शरीर को धो लेना है ताकि कोई बाहर से आप जब आओगे कोई शरीर में इन्फेक्शन नहीं रह जाएगा। लोगों को साथ हाथ मिलाना ये सब बंद करना पड़ेगा। कभी कभी ये देखा गया है जे उसका हाथ द्वारा आप उसका शरीर का जो इन्फेक्शन है आपको आ जाता है। तो नमस्ते करना सीखिए। और आप जो कपड़ा पहनोगे वो कॉटन वाला और थोड़ा हवादार होना चाहिए, नायलॉन का कपड़ा नहीं होना चाहिए। सिंथेटिक का कपड़ा अवॉइड करें तो बहुत बढ़िया है। जो कपड़ा पहनोगे वो थोड़ा ढीला ढाला होना चाहिए, ज्यादा टाइट जींस इसमें नहीं चल पाएगा। और आप जो जूता पहनोगे वो भी हवादार होना चाहिए, थोड़ा खुली खुली होना चाहिए, इसमें भी ध्यान रखना है। और दूसरा, इन्फेक्टेड जगह है उसको सफाई रखने के लिए टेटमोसोल बोल के एक साबुन आता है, उसका आप इस्तेमाल करें, वो रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करें, तो आप देखना ये सब परहेज अगर आप मेंटेन करोगे ये वापस नहीं आएगा। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगा। फार्मासिस्ट कुंडू जी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं आपको ये जो प्रॉब्लम है बार बार रिकरिंग तो नहीं हो रहा है और कितना दिन से चल रहा है। और जो लोग सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी वेरी मच। और प्रेस द बेल आइकन, बेल को आप प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख पाओगे। हमारा और एक चैनल है जो हेल्थ रिलेटेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहां जाइए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाइए। और आप जो लोग बोलते हो शरीर में बहुत कमजोर है तो प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें 3 मेडिसिन के बारे में बताया गया है। अगर आप A to Z टैबलेट के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना। नमस्कार।